से क्या क्या आता है, तो कंपनी से इतना तक आता है भाई। इसमें ना है घंटी, ये भी नहीं आता है। वो जो आगे का जो टर्नर रॉड लगता है ना, फॉरगॉट, वो भी कंपनी से आता नहीं। पीछे यहीं पे जो लॉक लगता है, ये भी कंपनी से आता नहीं। जिस स्टैंड के ऊपर मैं खड़ा करके रखा हूँ ना, ये स्टैंड भी कंपनी से आता नहीं। ये भी अलग से लगाना पड़ेगा। तो ये साइकिल आप कोई भी शॉप से ख़रीदते हो तो ना, वही शॉप वाला आपको सब कुछ लगा के, कोई भी दुकानदार हो, वो आपको सब कुछ घंटी, आगे का रॉड, लॉक कंप्लीट करके ही आपको उसका प्राइस जोड़ के आपको देगा। तो इतना तक कंपनी से आता है। इसके बाद जो सामान लगेगा ना, वो लोकल कंपनी का लगता है। वो तो हरकुलिस कंपनी का घंटी घंटी हो, आगे का टाना रॉड हो, पीछे का लॉक हो, ये तो हरकुलिस कंपनी का तो बनता नहीं भाई। कंपनी सिर्फ देता है पेडल और सीट। तो इसके ऊपर जो कवर लगता है ना, ये भी अलग से लगाना पड़ेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें अच्छाई के बारे में पहले बता देता हूँ भाई। सबसे बड़ी बात है इसका जो पेडल दिया है भाई, ये पेडल सही है। ये लॉन्ग लास्टिंग भी करता है और देखने में तो स्टाइलिश तो है ही है। कहीं पर भी लिखा रहता है हरक्यूलिस। और इसका जो स्पोक दिया है ना भाई, ये जो नॉर्मल साइकिल में जो स्पोक आता है, उससे थोड़ा सा एक साइज मोटा है। तो नॉर्मल साइकिल में आता है 14 गेज का स्पोक, इसमें दिया 13 गेज का। तो नॉर्मल साइकिल से थोड़ा 1 गेज मोटा है। इसमें आता है नायलॉन टायर, ये मेट्रो कंपनी ने नायलॉन टायर दे दिया। तो इसमें भी कंपनी का नाम लिखा रहता है, टी आई साइकिल्स ऑफ इंडिया। तो ये नायलॉन भी लिख देता है भाई, आगे पीछे दोनों में सेम। और हरकुलिस का जो ब्रेक सेटअप होता है ना, ये भी मस्त होता है भाई। हरकुलिस का कोई भी साइकिल का ब्रेक सेटअप, रेंजर साइकिल हो या स्टैंडर्ड रोडस्टर बाइसाइकिल हो, कोई भी, हर साइकिल का ब्रेक सेटअप ये लोग अच्छा देता है। तो इसका जो चेन कवर दिया, चेन कवर पे लिखा रहता है हरकुलिस, और ये रहता है कमांडर। और फ्रेम का सामने रहता है हरकुलिस कंपनी का जो लोगो, ये देखने को मिलता है। मार्केट में पहले साइड में हरकुलिस लिखता था, अभी कर दिया छोटा करके स्टिकर लगा दिया। ये इसमें लिखा रहता है टी आई मतलब टी आई साइकिल्स ऑफ इंडिया। तो यहीं पर पहले टी आई लिखता था, अभी लिख दिया हरक्यूलिस। तो इसका जो फॉर्क है ना, पतला टाइप का है, लेकिन ये फॉर्क भी बहुत हार्ड है भाई। हरकुलिस कंपनी का मडगार्ड का थिकनेस थोड़ा पतला टाइप का होता है, लेकिन इसका जो मेटल यूज़ करता है ना ये लोग, ये पतला होता है लेकिन ये हार्ड बहुत है, दबेगा नहीं, दबाने से दबेगा नहीं। ये लोग मेटल जो यूज़ करता है ना, बहुत सही मेटल यूज़ करता है अभी भी। पहले तो इससे अच्छा मेटल देता था ये लोग। और इसका जो सीट है ना, सीट में भी लिखा रहता है हरक्यूलिस। तो इसका सीट भी सही देता है, इसका सीट भी ज़्यादा दिन लास्टिंग करता है। तो एक बड़ा आदमी बैठेगा तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ये जो 20 इंची साइकिल है, स्कूल जाने वाले लड़के लोगों की साइकिल है 20 इंची। तो ये सामान उठाने के लिए, मतलब एक बड़ा आदमी के लिए तो ये साइकिल है नहीं। स्कूल में जो लोग जाता है ना, बच्चे लोग, उन्हीं लोगों का साइकिल है। तो एक स्कूल पढ़ुआ के लिए ये साइकिल सही है। और सबसे बड़ी बात, इसमें दोनों आगे पीछे दोनों में दे दिया मोटा स्पोक सब, और ऊपर से इसका नायलॉन टायर भी दे दिया। तो पहले ये सब तो आता नहीं था। अब हरकुलिस या हीरो, एवन, हर कंपनी में देता है, कॉटन टायर देता था। तो अभी धीरे धीरे हर कंपनी नायलॉन टायर ला रहा है हर मॉडल पे। तो इसमें मोटा स्पोक भी दे दिया, साथ ही साथ नायलॉन टायर भी दे दिया। और इसके पीछे का जो कैरियर है ना, आराम से तो एक आदमी बैठ सकता है। तो यहीं पे भी लिखा रहता है टी आई का एक लोगो दे दिया कैरियर में। इसका मडगट के पीछे रहता है हरकुलिस का लोगो। तो यहीं पे दो होल देख रहे हैं ना, यहीं पे लगता है एक रेड कलर का रिफ्लेक्टर। तो अभी तक इसको लगाया नहीं मैंने। तो इसका चेन सेटअप भी भाई सही है, इसका चेन सेटअप भी बहुत स्मूथ देता है ये लोग। अभी तक तो दे रहे, बाद में पता नहीं क्या होगा। अभी हर कंपनी का कर रहा है, क्वालिटी के बारे में एकदम ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ ये लोग प्रोडक्शन करते जा रहे हैं भाई। तो आप इसको कोई शॉप से ख़रीदते हो तो पहले आपको लगाना पड़ेगा एक घंटी। तो आपको दुकानदार साथ में देखे, इसको पैसा पहले से जोड़ लेगा, और लॉक और आगे का फॉरगॉट आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। तो इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो किसी ने सोचता है जो ये फॉरगॉट लगाने से ये फॉर्क बच जाएगा भाई, छोटा मोटा एक्सीडेंट होने जब होगा ना, तब कुछ ना कुछ आपको नुकसान पहुंचेगा, फॉरगॉट हो या ना हो। हाँ, फॉरगॉट आगे ये टर्नर रॉड लगने से क्या होता है, हाँ, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो जी, इसका प्राइस की बात किया जाए तो पूरा कंप्लीट करके, घंटी, लॉक, स्टैंड, एक साइड स्टैंड और आगे का जो फॉरगॉट टर्नर रॉड फॉरगॉट सब कुछ मिला के
5,300 का आसपास पड़ जाएगा आपको। उसके इधर उधर हो सकता है, जिस दुकान से आप खरीदते हो उस दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है सामान क्या क्या लगेगा। एक लॉक का प्राइस होता है 60 रुपया, और एक अच्छी क्वालिटी लॉक का प्राइस होता है 100 रुपया। तो कौन सा चीज़ लगाएगा सब कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर। आगे का जो फॉरगेट है वो भी सेम 100 रुपये के भी आगे का जो फॉरगेट मिलता है, और 160 का भी मिलता है, 150 का मिलता है, बहुत सारा क्वालिटी का भी मिलता है ना। उसके ऊपर से आपको जो सीट कवर, हैंडल का जो कवर, ब्रेक लीवर कवर, सब कुछ ये आपको अलग से मिलेगा। तो वो भी जिस दुकान से आप लीजिएगा सब कुछ जोड़ के वो आपको बताएगा। तो पूरा मिला के 5,300 का ऊपर नीचे हो सकता है भाई, दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा सामान देगा। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।